Hello dear students, how are you? Welcome in your English video. This is the lesson 1, class 11th. My struggle for an education. इसके जो writer हैं वो हैं Booker T. Washington, जो 1856 से लेकर 1915 तक उनका जीवन काल रहा. Booker T. Washington, a famous educationist of the United States of America, was born in a poor Negro family in 1856. ये जो बुकर टी वॉशिंगटन इस कहानी के इस लेसन के जो राइटर हैं वो एक काफ़ी मशहूर एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद जो रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. और इनका जो जन्म हुआ था वो एक गरीब नीग्रो फैमिली में जन्म हुआ था 1856 में. हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्डशिप्स. इनकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी वो मुश्किलों से और परेशानियों से भरी हुई थी. When he was 9 years old, he began working in a salt furnace and later in a coal mine. और जब ये 9 साल के थे तो इन्होंने जो है एक भट्टी, नमक की भट्टी में काम करना शुरू किया और उसके बाद एक कोयले की खदान में इन्होंने काम किया. Here he heard about Hampton Normal and Agricultural Institute. यहाँ पर इन्होंने जब ये कोल माइन में काम कर रहे थे तब इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना जिसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट. यहाँ पर ये इसका ये नाम दिया हुआ है. एज ही वॉज़ अ मैन ऑफ आयरन विल, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड. और चूँकि ये एक जैसे किसी को लॉ पुरुष कहते हैं, आयरन विल का मतलब है कि लोहे जैसी इच्छा शक्ति, तो ये इनकी जो इच्छा शक्ति थी ये बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे ये. और उन्होंने शिक्षा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया. लेटर ऑन ही बिकेम फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ नीग्रोज. और बाद में जब इनका ये जो संघर्ष वाला पीरियड था इसमें ये इन्होंने पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, उसके बाद जो आगे की इनकी लाइफ निकली उसमें ये काफ़ी फेमस हुए बतौर सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक के तौर पर, एजुकेटर यानी कि शिक्षाविद के तौर पर, और ग्रेट लीडर ऑफ नीग्रोज यानी नीग्रोज जो थे, अफ्रीकी नीग्रोज जो होते हैं, उनके एक नेता के तौर पे, महान नेता के तौर पे ये फेमस हुए. ही डाइड इन 1915 और 1915 में इनकी डेथ हुई. ही रोट सो मैनी बुक्स, इन्होंने काफ़ी किताबें लिखीं, बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर लाइफ. वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखीं लेकिन जो इनकी काफ़ी मशहूर है तो वो ये दो किताबें हैं जिनका कि एक अलग स्थान है इनका जो लेखन कार्य है उसमें. वो हैं दो ये बुक्स हैं, अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर लाइफ. दीज वर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911. अबाउट द लेसन, बुकर टी वॉशिंगटन एज अ बॉय वर्कड इन अ कोल माइन इन मेल्डन. ही ओवरहर्ड टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल. तो जो ये बुकर टी वॉशिंगटन थे वो एक लड़के के तौर पे, एक जब इनका किशोर अवस्था थी इनकी, उस वक्त इन्होंने कोल माइन यानी कोयले की खदान में जो मेल्डन में थी, मेल्डन एक जगह का नाम है, शहर, कस्बा, कुछ भी कह लीजिए, तो उधर पर ये कोल माइन में काम करते थे. वहाँ ही ओवरहर्ड, मतलब इन्होंने सुना कि वहाँ के जो माइंस में काम करने वाले इनके जो साथ के मज़दूर थे वो आपस में बात कर रहे थे और उनको बात करते हुए इन्होंने सुना. और वो किस विषय पर बात कर रहे थे, वो एक ऐसे ग्रेट स्कूल यानी एक महान ऐसा एक कोई स्कूल था जो कलर्ड पीपल के लिए बनाया गया था. अब कलर्ड पीपल से क्या समझेंगे हम, कि लोग रंगीन लोग समझेंगे, रंगीन तो लोग होते नहीं है, रंग बिरंगे तो होते नहीं है, लेकिन यहाँ जो कलर्ड पीपल का मतलब है कि जो ये अमेरिकन और कई ऐसे देश रहे हैं जहाँ पर रंग भेद बहुत होता था. रंग भेद का मतलब ये है कि वहाँ पर जो गोरे लोग थे वो कालों को नीचा समझते थे और उनके लिए काफ़ी उन्होंने अलग अलग तरह के रूल्स बनाए हुए थे, उनको साथ में एक बराबरी का दर्जा नहीं दिया हुआ था, बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे वो जा नहीं सकते थे और ज़्यादातर पहले ग़ुलामों की तरह से उनको रखा जाता था. तो एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ कि धीरे धीरे करके
ये जो ब्लैक लोग थे, अफ्रीकी लोग थे, काले, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उनके लिए बैन थीं, मतलब वो उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते थे या उनमें एंटर या उनमें वो शामिल नहीं हो सकते थे। और उसी में से एक चीज़ थी शिक्षा या एजुकेशन। एक टाइम था कि जब काले लोगों को ये सब चीज़ों से दूर रखा जाता था, और जब इन्होंने ये बात सुनी अपने जो साथी लोग थे, मजदूर थे माइंस के, कि भाई ऐसा कोई स्कूल है कलर्ड पीपल के लिए, मतलब जो गोरों के अलावा, गोरे का मतलब हो गया सफ़ेद, अब सफ़ेद तो सफ़ेद होता है, उसका कोई रंग तो है नहीं है, और बाकी जो लोग होते हैं गोरों के अलावा, उसमें एक तो काले लोग होते हैं जैसे अफ्रीकी, और उसके अलावा एशिया, जैसे इंडिया भी उसमें आता है एशिया में, तो इंडियन जो लोग होते हैं वो काले भी नहीं होते पूरी तरह से और ना गोरे होते हैं। हमारा जो रंग होता है वो गेहूँ हुआ, सांवला, इस तरीके से होता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट था ये कलर्ड पीपल के लिए, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था जिनका जो गोरों के अलावा थे। तो ये एक उस समय के लिए बड़ी अनोखी सी चीज़ थी, और जब इसके बारे में उनको पता चला तो काफ़ी वो उनको सुन के बड़ा ये हुआ कुछ कि भाई चलो अब हम इसमें जाके पढ़ सकते हैं। तो द स्कूल सीम टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड मोर अट्रैक्टिव देन इवन हेवन। ये जब स्कूल के बारे में इन्होंने सुना तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये जो जगह है ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह होगी, और शायद ये स्वर्ग जैसी कोई जगह होगी, क्योंकि उस वक्त काले लोगों के लिए तो ये एक कल्पना या एक सोचने से भी अलग बात थी, सोच में भी नहीं आ सकती थी ऐसी कोई बात। और जब इन्होंने सुनी तो इनको ये ऐसा लगा कि शायद ये इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे अच्छी जगह हो सकती है। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। उन्होंने फिर इस, जब ये अपने जो उन्होंने सोचा, जब ये सुना इसके बारे में, तो उनके दिमाग में ये आया कि अब किसी भी तरह से स्कूल में एडमिशन लेना है। और उस एक अपने अभियान पे जब ये निकले, उस डायरेक्शन में जब इन्होंने सोचा कि अब मुझे एडमिशन लेना है, तो इन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया, और अल्टीमेटली आखिरकार ये कामयाब हो गए उस इंस्टीट्यूट में, उस स्कूल में एडमिशन हासिल करने में, पाने में। The lesson inspires us that we should not be deterred by any odd difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition. ये जो lesson है ये हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी जो ये हमारी life में difficulties आती हैं, hurdles आते हैं, परेशानियाँ या जो रास्ते की रुकावटें होती हैं, उनसे कभी घबरा कर अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, और अपना जो हमारा एम है, जो भी हमने अपना एक लक्ष्य बना रखा है, टारगेट बना रखा है फ्यूचर को लेके, उसको हासिल करने में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इस तरह की मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ आर लाइक अ डॉक्टर्स पिल्स विच आर बिटर इन टेस्ट बट स्वीट इन इट्स इफ़ेक्ट। और जो ये मुश्किलें होती हैं ये डॉक्टर की जो दवाई होती है उसकी तरह से होती हैं, जो खाने में टेस्ट में तो कड़वी होती हैं लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है, परिणाम होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, स्वीट होता है या अच्छा होता है। अब ये लेसन के बारे में आपने समझा, अब यहाँ से ये लेसन स्टार्ट होता है। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। तो ये जैसे ऊपर जो ये लेसन का इंट्रोडक्शन था, इसमें आपने समझ ही लिया होगा कि माइंस में जब ये काम करते थे तो वहाँ इन्होंने अपने साथी मजदूरों को बात करते हुए सुना, जहाँ पर इनको ये एक ऐसे स्कूल के बारे में पता चला जहाँ पर गोरों के अलावा बाकी कलर्ड वाले लोगों को, जिसमें काले या एक व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन वाले, गेहूं के रंग वाले या और तरह के जो रंग रूप वाले लोग थे, उनके लिए इसमें एडमिशन मिलता था, उनको पढ़ने का मौका मिलता था। तो जब ये उस स्कूल के बारे में इन्होंने सुना जो कि वर्जीनिया में था, तो ये इन्होंने अपना उसको वहाँ पर जाके और एडमिशन लेने का ठाना। और दिस वॉज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनी थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोस्ट प्रटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन। अब ये इन्होंने जो इसके बारे में सुना, तो ये इनको अभी तक अपनी लाइफ में
पहली बार जो इनके गांव में एक छोटा स्कूल हुआ करता था जिसमें ये बाकी जो गोरों के अलावा जैसे हमारे यहाँ आज सरकारी स्कूल होते हैं उस तरह का एक स्कूल इनके गांव में हुआ करता था, तो इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार उस स्कूल के अलावा, गांव के स्कूल के अलावा किसी और उससे बेहतर चीज़ के बारे में सुना। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। और जब ये सुन रहे थे उन मज़दूरों को बात करते हुए, तो जैसे जैसे वो मज़दूर आपस में इस स्कूल के बारे में आपस में डिस्कशन कर रहे थे और जैसे जैसे उस स्कूल का विवरण आपस में डिस्कशन में बोल रहे थे, बात कर रहे थे और इनको सुनाई दे रहा था, तो सुनते सुनते इनको ऐसा लगता जा रहा था कि जैसे ये दुनिया की सबसे अच्छी ये जगह है। नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। और यहाँ तक कि अगर कोई स्वर्ग की बातें भी इनसे करे तो उससे भी ये इतना प्रभावित या इतना इनको आनंद नहीं मिलता, इनको मज़ा नहीं आता उतना सुनने में जितना कि इनको इस स्कूल जिसका कि नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो कि वर्जीनिया में था जिसके बारे में वो मज़दूर बात कर रहे थे, और उन बातों को सुनने में जितना मज़ा इनको आ रहा था उससे ज़्यादा तो स्वर्ग से रिलेटेड बातें भी अगर कोई इनको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करता तो उसमें भी इनको वो आनंद नहीं मिलता। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जो जिसके बारे में ये दोनों लोग बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज और हाउ मैनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट। अब जब ये इन्होंने सुना तो इन्होंने मनी मन ठान लिया, मनी मन एक संकल्प ले लिया कि मुझे इस स्कूल में जाना है। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, यानी कि हालांकि इनको ये कोई आइडिया नहीं था कि ये कितने मील दूर है, कितना दूर है, ये कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, लेकिन बस एक चीज़ इन्होंने ठान ली थी कि इनको वहाँ पर जाना है किसी भी तरह। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली with one ambition and that was to go Hampton. This thought was with me day and night. और ये क्या था कि ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से जैसे कि इनको एक जुनून के जैसा सवार हो गया था कि इनके दिमाग में जो एक ambition, जो एक कुछ करने की जो एक चाह जो वो पैदा हो चुकी थी, एक feeling, एक भावना कि बस इनको कैसे भी करके Hampton जाना है। और दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, और ये जो विचार था ये इनके मन में रात दिन बस यही विचार चल रहा था। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमिन टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। और 1872 में जब ये 1872 का साल एंड हो रहा था तो इन्होंने बिल्कुल निश्चय कर लिया कि अब ये इस अपना ये जो ख्याल इनके दिमाग में चल रहा है अब ये सिर्फ ख्याल नहीं रहेगा, ये इसके ऊपर एक कोशिश भी करेंगे कि कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचें। माय मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कोशिश जो कि असंभव सी हो उसमें कामयाब होना और जो ऐसी लग रही हो कि बेवकूफ़ी वाली कोशिश है क्योंकि उस कोशिश में कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसे कोशिशों को वाइल्ड गूस चेस बोला जाता है। तो जो इनकी माँ थी वो बड़ी परेशान हुई और उनको एक तरीके से ये एक डर सा लगा उनका जो बेटा इस तरह की सोच रखे हुए था कि उसको एक ऐसे स्कूल में वहाँ जाना है जिसका कि उसको कोई पता नहीं है कि वहाँ कहाँ कितनी दूर जाना है, कैसे क्या करना है, कितना उसको पैसा चाहिए होगा, रास्ता दूरी कैसे तय करेगा, ये वगैरह वगैरह सारी बातें थीं। तो जब उसकी माँ ने ये देखा तो उनको एक डर सा पैदा हुआ और उन्होंने यही एक तरीके से समझा या माना और ये जताने की बताने की कोशिश की कि तुम एक ऐसा काम करने जा रहे हो बेवकूफ़ी वाला जो कि जिसमें तुम्हें कामयाबी मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है, असंभव है। एट एनी रेट आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। और सब कुछ करने के बाद सारी इन्होंने कन्विंस करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी उनको बस अपनी माँ की तरफ से आधी अधूरी सहमति ही मिली
कि चलो भाई ठीक है, अब जैसे होता है कि किसी एक बात पर जब बच्चे अड़ जाते हैं पूरी तरीके से तो उनके आगे माँ बाप झुक जाते हैं, तो इसी तरीके से जो इनकी माँ थी लास्ट में जब ये बिल्कुल ही इन्होंने देखा कि ये तो किसी भी तरह से मानी ही नहीं, तो उन्होंने सहमति तो दी लेकिन वो पूरी तरह से दिल से सहमत नहीं थी, आधी अधूरी, हाफ हार्टेड, मतलब आधे दिल से उन्होंने सहमति दे दी। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लोथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी एज दैट ही कुड, बट ऑफ कोर्स दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील। सहमति तो आधी अधूरी इनको मिल गई, लेकिन जब ये यात्रा अपनी जो निकल रहे थे स्कूल के लिए, वहाँ जाने के लिए, तो इनके पास बिल्कुल ही कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसा इनको कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए और रास्ता जो जाना था वहाँ पर कैसे जाएंगे, किराया वगैरह होना चाहिए, उन सब के लिए इनके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं था। और इनके जो भाई थे जॉन, उन्होंने इनकी मदद करी जितनी वो कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई ऐसी मदद नहीं थी कि जिनसे इनकी पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए या ये आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। वो एक थोड़ी सी मदद थी, थोड़ा बहुत इनका फ़र्क पड़ गया, लेकिन ज़्यादा उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ा। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। और आखिरकार वो एक बड़ा जो दिन था इनके लिए, बहुत बड़ा दिन जो इनके दिमाग में छाया हुआ था जो विचार, और उस चीज़ के ऊपर ये एक इन्होंने जो कोशिश करने का ठाना था और उसमें ये शुरुआत उसकी करने जा रहे थे। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सेशल दैट कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोदिंग आई कुड गेट। अब इनके पास क्या था, एक छोटा सस्ता टाइप का एक कंधे पे टांगने वाला एक बैग था सिर्फ, जिसमें इन्होंने कुछ सामान, कुछ कपड़े वपड़े रख लिए थे बस। माई मदर एट दैट टाइम वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। और जो इनकी माँ थी वो उस समय कुछ उनकी इस तरह की कंडीशन थी कि वो काफ़ी एक कमज़ोर वाली स्थिति में थी, कमज़ोरी उनको थी, बीमार भी थी, और ऐसी कंडीशन को देखते हुए आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। और इनको ये उम्मीद नहीं थी कि अब ये दोबारा इनको देख पाएंगे अपनी माँ को, क्योंकि वो वैसे ही वीक थी, तबीयत भी ख़राब थी, और ये जहाँ जा रहे थे इनका कुछ अता पता तो था नहीं इनको कि वहाँ कैसे पहुँचेंगे, पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद ये क्या करेंगे, कितने टाइम में वहाँ से कभी लौट के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको ये एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि शायद अब ये पता नहीं दोबारा अपनी माँ से मिल पाएंगे कि नहीं। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोस्ट सैड, शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। तो इस वजह से इनकी जो पार्टिंग का मतलब है इनकी जो जुदाई हुई, जो एक दूसरे से बिछड़े हुए, वो काफ़ी सैड हो चुकी थी, सैड हो रही थी, उदासी से भरी, गम से भरी हुई हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसा ऊपर बताया गया है कि उनकी जो कंडीशन थी वो ऐसी बीमारों वाली कंडीशन में थी, कमज़ोर हो चुकी थी, बीमार थी, तो ये उम्मीद बहुत कम थी कि ये लौट के दोबारा आके इनसे मिल पाएंगे। तो यानी एक तरीके से ये आखिरी बार ही उनसे मिलके मतलब जा रहे थे, तो वो एक दुख वाला एक माहौल, गमगीन माहौल था काफ़ी। शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। और जबकि इनकी तुलना में इनकी जो माँ थी वो काफ़ी उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाई। शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, यानी कि वो तो इनसे फिर भी काफ़ी बहादुर निकली या काफ़ी मजबूत दिल के साथ उनने ये फेस कर लिया। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 miles। तो जो दूरी थी मेल्डन से जहाँ ये रहते थे और जहाँ ये जा रहे थे हैम्पटन के लिए, वो दूरी करीब 500 मील की थी। अब 500 मील की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको आइडिया हो कि किलोमीटर्स और माइल्स में क्या फ़र्क होता है, तो कन्वर्जन अगर आप करके देखें तो जो एक मील होता है वो 1.6 किलोमीटर्स का होता है। यानी अगर माइल्स की बात करेंगे तो 500 अगर माइल्स हैं तो इसको 1.6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो किलोमीटर्स में ये बदल जाएंगे और वो होंगे लगभग 800।
800 किलोमीटर की जो दूरी थी, 500 माइल्स या 800 किलोमीटर्स, ये इतनी दूरी थी मेल्डन से हैम्पटन की। बाय वॉकिंग, बैगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, इन सम वे आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड। अब चाहे पैदल चल के या बैगिंग राइड्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी से कोई किराए की गाड़ी ना भी हो तो हम उससे लिफ्ट लेके रिक्वेस्ट करके उसमें बैठ के कुछ दूरी तय कर लें, तो वो बैगिंग राइड्स वो हो गई, यानी कि एक तरीके से रिक्वेस्ट करके मांग ली हमने कि किसी ने दया करके हमें बिठा लिया, तो वो बैगिंग राइड्स हो गई। बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, किसी कभी वैगन में कभी किसी कार में, इस तरह से ये चलते गए। इन सम वे कैसे ना कैसे करके आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, काफ़ी दिनों के बाद ही रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, ये रिचमंड नाम की जो शहर था वहाँ पर पहुँच गए, वर्जीनिया स्टेट के एक रिचमंड शहर में। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि वहाँ से हैम्पटन से 82 मील दूरी पर था। अभी भी ये 82 मील दूरी पर थे, और जो कि 130 किलोमीटर के लगभग होती है दूरी, अभी भी ये उतनी दूरी पर थे। When reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night, और जब ये वहाँ पहुँचे रिचमंड में, जो कि 130 किलोमीटर की दूरी पर था अभी भी हैम्पटन से, तो ये वहाँ पहुँचते काफ़ी थक चुके थे, भूखे थे, और ये बिल्कुल हालत इनकी गंदी हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों का सफ़र, और कभी किसी गाड़ी में कभी किसी गाड़ी में कभी पैदल चल रहे, तो ये पहुँचते एक तो लेट नाइट हो गई थी और इनकी हालत भी इतनी ख़राब हो रही थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, और क्या था कि ये कभी इतनी बड़ी सिटी में, इतने बड़े शहर में भी नहीं आए थे, क्योंकि ये गांव के रहने वाले थे, छोटे इलाके के, तो ये भी एक तरीके से इनकी हालत को और ख़राब कर रहा था, दयनीय बना रहा था। मिजरी का मतलब होता है दयनीय स्थिति। तो क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि इनको कोई आइडिया वैसे भी नहीं था ऐसी बड़ी सिटी का, और किसी बड़े शहर में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जिसकी हालत ख़राब हो रही हो, तो उसको तो लोग वैसे भी प्रेफरेंस नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, तो यानी कि अगर ये कुछ और मदद भी लेना चाहें किसी से, तो इनकी कंडीशन देख के कोई वैसी मदद नहीं करेगा। तो ये इनकी कंडीशन इधर पे आने के बाद, रिचमंड में आने के बाद, ये और इनकी कंडीशन ख़राब हो गई। When I reached Richmond, I was completely out of money. और जब ये रिचमंड पहुँचे तो ये इनके पास से पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि रास्ते भर ये इनको कुछ खाना पीना भी रहा होगा, कभी कभी कोई पैसा इन्होंने किराए भाड़े में भी दिया होगा, तो ये करते करते पैसा इनके पास से पूरा ख़त्म हो गया। I had not a single acquaintance in the place, and being unused to city ways, I did not know where to go. और चूँकि इनकी कोई जान पहचान तो थी नहीं वहाँ पे उस जगह, और ना ही रास्तों का कुछ अता पता था, तो इनको कुछ ये नहीं पता था कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, बट दे ऑल वांटेड मनी, एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉक्ड द स्ट्रीट्स। अब इन्होंने क्या करा, कई जगह पूछा, बहुत से जैसे लॉज होटल्स वगैरह थे कि भाई इनको रुकना था, तो इन्होंने कोशिश करी, लेकिन सभी जगह क्या हुआ, सब लोगों ने इनसे पैसा मांगा और पैसा इनके पास था नहीं। तो नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, कि अब ये कुछ ऐसा इनके दिमाग में नहीं बचा कि क्या और क्या कर सकते हैं, तो अब इससे बेहतर तो कुछ इन्हें लगा नहीं कि बस सीधा चलो ही, रास्ते से पैदल ही चलते रहो, कम से कम कहीं तो पहुँचेंगे। तो ये सोच के इन्होंने अपना रास्तों पर ये चलते चले गए। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट्स till after midnight. At last I became so exhausted that I could walk no longer. और ये करीब आधी रात के बाद तक चलते ही रहे, क्योंकि वहाँ पहुँचते जैसा ऊपर बताया गया है कि जब ये रिचमंड पहुँचे तो रात हो चुकी थी। रात का मतलब 7:30-8 बजा होगा, रात की स्टार्टिंग 7:30-8 बजे से होती है, और जब इनको कोई सहारा नहीं मिला, कहीं रुकने की जगह नहीं मिली,
तब इन्होंने क्या सोचा, जो बेहतर लगा वो यही लगा कि कम से कम रास्ते पे चलते रहो पैदल, और वो ये चलते रहे, कुछ घंटे चले होंगे तो ये आधी रात के बाद तक थोड़ा चलते रहे। अगर 12 बजे आधी रात का टाइम मान लें तो मान लो 1-2 बजे तक ये चलते रहे, और इनकी कंडीशन इतनी और वो ख़राब हो गई, इतनी थक गए थे ये कि अब इनसे चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल। आई वॉज़ टायर्ड, आई वॉज़ हंग्री, आई वॉज़ एवरी थिंग बट डिस्करेज्ड, कि मैं ये बोल रहे कि मैं थक गया था, मैं भूखा था, लेकिन मैं सब कुछ तो था मेरे साथ, सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैं डिस्करेज नहीं था, मैं क्या था, हिम्मत नहीं हारी थी मैंने। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्टन, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर बाय कुड सी मी, एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड लेड फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड। तो ये एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पे जो सड़क के जो किनारे का जो हिस्सा था वो उस पर कुछ एलिवेशन था, मतलब वो एक देखा होगा आपने कि सड़क के किनारे बस स्टॉप वगैरह या कुछ ऐसी जगह होती हैं वेट करने के लिए लोगों के, कि जहाँ पर ऊपर कुछ शेड जैसा होता है। तो ऐसी जगह ये पहुँच गए, फिर उन्होंने पहुँचने के बाद थोड़ा इधर उधर देखा कि कोई ऐसा देख तो नहीं रहा है या कोई मना करने वाला तो नहीं है, और जब इनको थोड़ा ऐसा लगा कि कोई नहीं है वहाँ पर जो इनको मना करेगा, तो ये चुपचाप से वहाँ पर उस शेड के नीचे लेट गए और रात गुजारने का इन्होंने वहाँ पर एक सहारा जैसा ढूंढ लिया। विद माय सेशल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, और जो साथ में बैग लिए हुए थे छोटा सा कंधे पे टांगने वाला, उसको इन्होंने तकिया जैसा बनाकर सर के नीचे रख लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माय हेड, और लगभग पूरी रात इनको ऐसा लगता रहा कि जैसे कि सारे लोग इन्हीं के ऊपर से कदम रख के चले जा रहे हों। लोग गुजर रहे थे इधर से उधर, तो ये सड़क के किनारे लेटे हुए थे, तो लोगों के जो चलने फिरने की जो आवाज़ थी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लोग इन्हीं के ऊपर से चल के जा रहे हों। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ सम वॉट रिफ्रेश्ड बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। अगली सुबह इन्होंने कुछ हद तक अपने आप को फ्रेश महसूस किया, लेकिन ये काफ़ी भूखे थे, इनको काफ़ी भूख लग रही थी। एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, और जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ और ये कुछ देख पाए अपने आसपास की जगह को, इलाके को, तो इन्होंने नोटिस किया कि वो एक बड़ी सी शिप के पास में हैं, यानी कि जहाँ पर ये हैं वो समुद्र के कैसे पोर्ट का कोई जगह रही होगी, समुद्र के किनारे कोई पोर्ट होगा, और ये वहाँ पर एक बड़ी सी शिप है जिसके पास में ये इन्होंने रात गुजारी थी। इट सीम टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। आई वेंट एन एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। द कैप्टन अ वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफस्ट। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने ये देखा कि ये पास में तो एक शिप है, और जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि उसमें कुछ माल लद के आया था, पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा। ये कच्चा लोहा एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है, और फिर इसको फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल के और लोहे के जो दूसरे आइटम्स हैं, जैसे स्टील भी लोहे में से ही निकलता है, स्टील के जो बर्तन होते हैं, और हमने देखा होगा लोहे की एंगल्स वगैरह होती हैं, सरिये वगैरह होते हैं, वो भी लोहे का एक प्रोडक्ट है। तो ये अलग अलग क्वालिटी के जो लोहे होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो एक ही होता है। तो ये जो पिग आयरन है ये कच्चा लोहा होता है, और वो वहाँ से शिप से उतर रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क द कैप्टन, और ये तुरंत वहाँ पर वेसल का मतलब जो ये शिप थी वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ उस शिप के कैप्टन से कहा कि भाई उसको भी काम पे इन्होंने मांगा कि मुझे भी काम दे दो कुछ, और मैं भी इस शिप से जो माल अनलोड हो रहा था, उतर रहा था, तो उसमें ये इन्होंने काम एक तरीके से मांगा उस शिप के कैप्टन से,
जिससे कि कुछ पैसा कमा सके अपने खाने पीने के लिए। द कैप्टन अ वाइट मैन, तो जो कैप्टन था वो एक गोरा व्यक्ति था, गोरा आदमी था, और वो इनको लगा कि काफ़ी एक काइंड हार्टेड, मतलब एक अच्छे दिल वाला, एक दयालु टाइप का एक व्यक्ति था, तो उसने इनकी बात मानी, इनको काम दिया, और वहाँ काम करके फिर इन्होंने वहाँ काम किया। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफस्ट एंड इट सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफस्ट दैट आई हैव एवर ईटन। और जब इन्होंने काम करके कुछ पैसा वहाँ से कमाया, तो इतना तो कमा ही लिया कि उससे अपना ये पेट भर सकें और नाश्ता खाना वगैरह खरीद सकें, और ये बोल रहे हैं कि इट सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ, और इनको ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि अब अगर मैं याद करता हूँ उस चीज़ को, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो इन्होंने खाना नाश्ता खरीद के खाया, वो इनका लाइफ का सबसे बेस्ट जो ब्रेकफास्ट था, सबसे जो अच्छा जो नाश्ता इन्होंने ज़िंदगी भर में किया होगा, तो वो नाश्ता इनको वही वाला लगा जो इन्होंने उतनी मेहनत करने के बाद, पैसा कमाने के बाद फिर खरीद कर खाया। माई वर्क pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. और मेरे काम से जो ये शिप का जो कैप्टन था वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझे एक ऐसे कम अमाउंट के ऊपर उसने काम करने के लिए इनको डेली पे परमिशन दे दी कि ठीक है तुम काम करो और तुम्हें हम इतना पैसा देंगे। हालांकि वो पैसा कम था, लेकिन इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज। और ये एक इनके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि ये जिस जगह से आए थे पूरा पैसा ख़त्म कर चुके थे, जगह ये इनके लिए अनजान थी, किसी को जानते नहीं थे। अब ऐसी जगह पर आकर इनको अगर कुछ काम मिल गया था, तो ये तो इनके लिए बहुत अच्छी बात थी, कम से कम आमदनी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन कुछ तो मिल ही रहा था जिससे ये अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते थे। तो ये आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू डू, यानी कि ये खुश थे कि इनको काम मिल गया। और आई कंटिन्यूड वर्किंग फॉर ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, और इन्होंने उस शिप पर काफ़ी दिनों तक काम किया। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस देर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल आई कंटिन्यूड टू स्लीप अंडर द साइडवॉक। और जो भी इनको मिलता था उससे खाना वगैरह ख़रीदने के बाद इनके पास कुछ ऐसा बचता नहीं था कि जिसको ये कहा जा सके कि भाई इनको ये उस पैसे से हैम्पटन पहुंच जाएंगे, और अपना पैसा ये बचाने के लिए लगातार ये पैसा बचा पाए इसके लिए रोज़ ये क्या करते थे कि वहीं पे जो सड़क के किनारे की वो जगह एक ढूंढ ली थी इन्होंने, जिसके ऊपर कुछ शेड जैसा था, तो वहीं पर ये जाके सो जाते थे, जिससे कि इनको किराए की जगह पर जाकर ना सोना पड़े, जिससे कि इनका पैसा बच सके। When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. और जब इन्होंने काफ़ी कुछ पैसा जमा कर लिया, इतना पैसा जमा हो गया बचत कर करके डेली जो ये सोते थे उस जगह पे सड़क के किनारे फुटपाथ के इधर, तो ये सब कर करके थोड़ा थोड़ा खाने में भी जितना ज़रूरत हुआ उतना खा लिया, पैसा बचा लिया, ये कर करके जो इनके पास पैसा बचा तो वो इतना हो गया था कि ये अब हैम्पटन पहुंच सकते थे। तो जब इतना पैसा हो गया तो इन्होंने जहाज़ के कैप्टन का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद बोला उसको उसकी दयालुता के लिए, उसकी इंसानियत के लिए, और ये फिर से निकल पड़े अपनी जो जिस मेन यात्रा पे, जो मेन टारगेट लेके दिमाग में निकले थे कि इनको हैम्पटन जाना था। Without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus with which to begin my education. तो अब जो यहाँ से ये निकले तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई बीच में Hampton पहुँचने में, क्योंकि इन्होंने जितने भी दिन वहाँ काम किया था Richmond में, तो वहाँ से काम करके बचत करके इन्होंने काफ़ी इतना तो पैसा बचा ही लिया कि जिससे वो वहाँ Hampton पहुँच सकते थे। और यहाँ से जब निकले रिचमंड से हैम्पटन के लिए, तो बीच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई और ये आसानी से हैम्पटन पहुँच गए, और उनके पास
विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स। और जो पैसा रास्ते में सब खर्च वर्च करने के बाद हैम्पटन जब ये पहुँचे तो इनके पास एग्जैक्टली यानी ठीक 50 सेंट्स इनके पास बच गए थे, विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, और जिससे ये अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते थे। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवॉर्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। और जब ये पहली नज़र इन्होंने डाली उस बड़ी बिल्डिंग पर, 3 मंजिला बिल्डिंग पर जो ईंटों की बनी हुई थी, तो इससे जैसे कि उनको एक इनाम मिल गया, सीम टू हैव रिवॉर्डेड फॉर मी। किस चीज़ का इनाम मिल गया कि जितनी ये परेशानी इन्होंने उठाई थी यहाँ तक आने के लिए, जो जो कष्ट झेले थे, तो उन सब का एक इनाम जैसा मिल गया इनको जैसे इन्होंने पहली बार स्कूल की उस बिल्डिंग को देखा। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ। और जो उसकी साइट थी, जो उसके ऊपर ये नज़र डाली थी, उससे नज़र डालने से इनको ऐसा लगा कि जैसे इनको दूसरी लाइफ मिल गई हो। तो यहाँ पर पहला पार्ट इसका ये एंड करते हैं। आगे के लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।